नमस्कार बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम शब्द अभ्यास का पेज नंबर 26 पूरा करेंगे। तो चलिए, आप सब अपनी बुक खोल लीजिए। देखिए यहाँ क्या करना है। इस पेज में समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और उनके चारों ओर घेरा लगाइए। मतलब हमें इन बॉक्सेस में समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना है और फिर उसमें सर्कल करना है, गोला लगाना है, घेरा लगाना है। क्लियर बच्चों? समान ध्वनि वाले शब्द क्या होता है? जो बोलने में एक जैसे लगे। ठीक है, जो बोलने में एक जैसे लगे, जैसे हवन पवन बोलने में एक जैसे है ना, जिनका साउंड एक जैसा आ रहा है बोलने में। तो ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे हो तो उन्हें घेरा लगाना है। तो चलिए आप सब भी पढ़िए मेरे साथ। न ह र नहर, ह व न हवन, ड ग र डगर, न र म नरम, स ह र सहर, उ प र ऊपर, म ह ल महल, म ग र मगर, प ह र पहर। क्लियर? अब हम ऐसे पढ़ेंगे, नहर, हवन, डगर। तो यहाँ पे कोई समान स्वध्वनि वाले शब्द नहीं है। फिर देखिए, नरम, सहर, ऊपर। देखिए यहाँ दो शब्द मिल रहे हैं, नहर और सहर, महल, मगर, पहर। तो देखिए यहाँ शब्द समान ध्वनि वाले तीन शब्द मिले हमें, नहर, सहर, पहर। तो अब हम इन्हें घेरा लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से आपको अपने बुक में घेरा लगाना है। क्लियर? फिर से पढ़िए, नहर, सहर, पहर, है ना बोलने में एक जैसे, तो इन्हें समान ध्वनि वाले शब्द बोलते हैं। क्लियर बच्चों? दूसरा देखिए, प ल क पलक, च र ण चरण, इ ध र इधर, र म न रमन, म र ण मरण, क म ल कमल, म ग र मगर, स र ण सरण, न र म नरम। अब हम इस तरह से पढ़ेंगे, प ल क पलक, चरण इधर, कोई समान ध्वनि वाला शब्द नहीं मिला हमें, रमन मरण कमल। देखिए यहाँ पे दो शब्द मिले, चरण और मरण, मगर सरण नरम। तो देखिए एक और शब्द मिल गया, सरण। तो हमें समान ध्वनि वाले तीन शब्द मिले, चरण मरण सरण, है ना बोलने में एक जैसे, बाकी सब अलग हैं, इसलिए ये हम इन शब्दों को घेरा लगाएंगे इस तरह से। क्लियर? फिर से पढ़िए, चरण मरण सरण। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, प ह न पहन, फ स ल फसल, म द न मदन, उ ध र उधर, स द न सदन, व त न वतन, ब द न बदन, प क ड पकड़, र क म रकम, पहन फसल मदन। कोई समान ध्वनि वाला शब्द नहीं मिला हमें, उधर सदन वतन दो शब्द मिले, मदन सदन, बदन पकड़ रकम। देखिए तीनों रो में एक एक शब्द हमें मिला, मदन सदन बदन। क्लियर? हमें तीनों रो को देखकर सर्कल करना है कि तीनों रो में, तीनों लाइंस में, तीनों रो में हमें एक एक शब्द ऐसे हो जो बोलने में समान ध्वनि वाले हों। क्लियर? देखिए इस रो में मदन, इसमें सदन, इसमें बदन। तो अब हम इन तीनों वर्ड्स को, तीनों शब्दों को हम
घेरा लगा देंगे इस तरह से। क्लियर बच्चों? फिर से बोलिए, मदन सदन बदन। आशा है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पेज में क्या करना है। सो बच्चों अब आप इसे अपने शब्द अभ्यास में पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।